ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी तो पहचान सिर्फ यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। कि इस माटी में है जन्म लिया, इस माटी में मिल जाऊंगा। कि इस माटी में है जन्म लिया, इस माटी में मिल जाऊंगा। अगर आई बात जो शान पे तेरी, मैं पहन खाकी युग लड़ने भी जाऊंगा, मैं पहन खाकी युग लड़ने भी जाऊंगा। नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। हमने बचपन से सुना है कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? कोई बात नहीं बच्चों, आज हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस इतने हर्ष और उल्लास के साथ क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है। गणतंत्र, गण यानी के लोग, तंत्र यानी के शासन, गणतंत्र यानी के लोगों का शासन, हमारा अपना शासन। हमारा राष्ट्र अब किसी भी देश के अधीन नहीं है और हमारा अपना शासन। हमारा संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ, क्योंकि इस दिन का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 26 जनवरी 1930 के ही दिन रावी नदी के किनारे पूर्ण कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था और तब से हर साल 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, तो हमने 15 अगस्त को अपना स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था और एक हम गणतंत्र देश के नागरिक बने थे, स्वाधीन देश के नागरिक बने। जहाँ गोलियां खाकर सीने पर हर जवान हंसता है, अरे कहाँ तक कब्जा करोगे, यहाँ हर दिल में हिंदुस्तान बसता है, हर दिल में हिंदुस्तान बसता है। प्यारे बच्चों, अब हम जान चुके हैं कि गणतंत्र दिवस क्या होता है और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी हर ड्यूटीज के बारे में, हमारे हर राइट के बारे में लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया। हम जान चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था। यस, वेरी गुड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी कमेटी के द्वारा इसे लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हमें क्या सिखाता है? रिपब्लिक डे टीच अस टू लीव पीस एंड यूनिटी, हमें शांति के साथ और एकजुट होकर एक साथ रहना सिखाता है। संविधान हमें याद दिलाता है कि हम सब एक समान है, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक बेहतर भारत बनाना है, एक बेहतर भारत बनाना है। तीन रंग का नहीं बस ये ध्वज देश की शान है, तीन रंग का नहीं बस ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का ये स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान।